कैसे गुंडे लेकर गए उसे दया? ढूंढो सब लोग जल्दी, देखो कि भाग ले रहा पाए। छोड़ दीजिए भैया। क्या करेगा तुम? भैया छोड़ दीजिए मुझे, जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे। मैं दिलावर के कैसे आजाद होना चाहती हूँ भैया, छोड़ दीजिए। पागल मत बनो, ऐसे भागोगी तो दिलावर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो उसके आदमी चारों तरफ है, भरोसा करो मुझ पर, सभी सही समय का इंतजार करो। सॉरी भैया, सॉरी, हर कोई मुझे दिलावर का वफादार लगता है, किसी पे विश्वास नहीं होता भैया। मैं आजाद होना चाहती हूँ भैया, मुझे यहाँ से आजाद होना है। करो सही समय आने पे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ठीक है? पर ऐसे बिल्कुल भी दोबारा मत करना। चलो 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 प्लीज चलो। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी मेरे मामले में टांग अड़ाने की? वो लोग मेरे बेटे को सही सलामत यहां पर लेकर आए थे। अगर सनी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और आप सीआईडी वाले ही होंगे। सनी को कुछ नहीं होने देंगे, हम कुछ नहीं होने देंगे सनी को, समझे? अब इस दिलावर की दुनिया आबाद नहीं रहेगी, नहीं रहेगी दिलावर की दुनिया आबाद। अरे क्या चाचा, खाली करके आ रहे ले? दिमाग ठंडा हुआ कि नहीं? जवानी के झटके तुम्हें फिर आ गया तुम? और पक्या सेठ, सीआईडी ऑफिसर से ये बॉडीगार्ड की नौकरी कैसी लग रही है? अच्छा गोगा अंकल, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें, बड़ा मजा आ रहा है। अबे क्या बोला था मेरे को, कैक्टस का काटा? एक हाथ मारूंगा ना बुड्ढे को, सीधा खबर में घुस जाएगा। बुड्ढे को मारेगा। हाथ नहीं लगा यार, बाल्टी है इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे मैं। टिक्का वाला खाना नहीं बनाना तेल का, तीन टाइम हो गया सुबह से। और एक बात, तू अंदर जा और अब की पूरा खाली करके आना, समझा क्या? चल अंदर। सोनल का क्या, उसे दिलावर के प्लान के बारे में कुछ पता है? अरे वो तो खुद दिलावर के हाथों फंसी हुई है। उसने भाई बोला मेरे को दया, उसको छुड़ाने का है। ए चला, अगली बार मेरे को टच मत करना इस बाल्टी के साथ, समझे तू? मतलब उसे इस दिलावर के बारे में कुछ मालूम नहीं है? नहीं, दिलावर के बारे में कुछ पता नहीं है। अगला प्लान क्या है? इंतजार, देखते हैं दिलावर का अगला प्लान क्या है। मिलिंद का बेटा भी उसके हाथ में है ना, हम कुछ कर भी नहीं सकते। ए चल चल, कहाँ चल, निकल। ऐसे सुबह सुबह मत मिलना, बहुत मन प्रेशर बहुत रहता है, मार दूंगा। ए चल, बिचारी सोनल खुद फंस गई इस दिलावर के चंगुल में। पर अगर सोनल दिलावर के किसी जुर्म में शामिल नहीं है तो उसके जरिए दिलावर तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। हाँ मगर रजत, ऐसे सोचकर हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। सर लेकिन सोनल के वहां से भागने की कोशिश में कुछ बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है सर, उन लोगों को लगेगा कि मिलिंद ने सीआईडी को फोन करके बुलाया है और शायद फिर उस बच्चे को नुकसान पहुंचाए हो, या फिर जान भी ले सकते हैं सर। नहीं सचिन, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। मिलिंद का फोन टैप करो, वो किडनैपर उसे दोबारा फोन करेंगे, टैप करो फोन मिलिंद का। एक बार ये नंबर मिल जाए ना तो समझो हम पहुंच गए मासूम सनी तक, बचा लेंगे हम उससे।
दिलावर आ गया, पकड़ लूं क्या उसे? नहीं फ्रेडी, जब तक अभिजीत नहीं कहेगा हम हमला नहीं करेंगे। निकल, तैयार रहना। हाँ सर, रेडी। दिलावर साहब, आप सोनल का नेम साहब? तो आप राजकुमार कमाल है। तू तो आसानी से मुझे पहचान गई। मेरा चेहरा याद है तुझे? मुझे तो लगा कि मेरा चेहरा तो मिट गया होगा। तेरे दिल से, तेरे दिमाग से। कैसे बात कर रहे हैं आप? सीधी बात तो कर रहा हूँ। अगर मेरा चेहरा नहीं मिटा, और मेरा डर तेरे दिल के अंदर अब भी बाकी है, हिम्मत कैसे की तूने भागने की? कुट रही हूँ मैं, दम घुटता है। मैं भी तो दूसरी लड़कियों जैसे जीना चाहती हूँ ना। मेरी भी इच्छा है, मेरे भी सपने, लेकिन आपने आपने मुझे कीमती गुड़िया की तरह कैद कर रखा है। जाने दीजिए मुझे, मैं खुल के सांस भी नहीं ले पाती यहाँ। मेरी कीमती गुड़िया बोलने लगी है, फर 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 उड़ने लगी है, फर 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 फर। तेरे पर काटने पड़ेंगे रे, पर काटने पड़ेंगे। कर नीचे करो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने? कर नीचे करो। अच्छा बॉडीगार्ड, लेकिन बेटा मैंने तुझे रखा है दुनिया से सोनल को बचाने की, मुझसे नहीं। तेरे जैसे 10 दिलावर भी आ जाए ना, उस सोनल का बाल भी बांका नहीं कर सकते, समझा? कर नीचे कर। आप अंदर जाइए ना, आप इनके गुस्से को नहीं जानते भैया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, जाइए ना, आप अंदर जाइए ना भैया। भैया भैया बहन, भाई बहन का प्यार बॉडीगार्ड मालकिन बात यहां तक पहुंच गई है। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। दिलावर को असली रंग दिखाने का मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खातिरदारी कर इसकी। मत मारो उन्हें, मत भैया। पहल है ना तेरी, खोपड़ी खोल दूंगा। बस उन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपका क्या हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपकी, छोड़ दीजिए उन्हें। गलती तो मैंने की ना, मुझे सजा दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए उन्हें, मैं आपका भी हाथ जोड़ती हूँ। मार ये खा रहा है और तकलीफ तुझे हो रही है, तेरी यही सजा है। दरवाजा खोल। छोड़ दीजिए मुझे। ये लोग कहाँ गए? अरे अभिजीत कहाँ गया? अभिजीत, अभिजीत, निकल, उस दिलावर का पीछा करो। अभिजीत,
नंबर 02AK4640। सोनल से वादा किया था मैंने कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, पर मैं फेल हो गया सर। एक भाई फेल हो गया। माफ कीजिएगा सर, दिलावर और उसके गुंडे मेरे हाथ से निकल गए सर। कोई बात नहीं, सोनल पर किए हुए एक एक अत्याचार का बदला लेंगे हम। बचकर जाएगा कहां ये दिलावर, कहां जाएगा ये? उसकी गाड़ी का नंबर तो लेकर आए हो ना। बस तो फिर रेडी, क्या पता चला उसके गाड़ी के बारे में? बहुत जल्द पता चल जाएगा सर, मैंने सभी ट्रैफिक पुलिस वालों को और चेक नाकों पे खबर कर दिया सर। हाँ, मिलन का फोन बज रहा है सर, किडनैपर्स का ही होगा। बहुत अफसोस हुआ ये जानकर कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा पिता भी है जिसे अपने बेटे से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। अगर अपने बेटे से प्यार करते हो तो सीआईडी को क्यों लेकर आए तुम? मैं सीआईडी को नहीं लाया हूँ, वो खुद ही आ गई। बेवकूफ समझाए मुझे, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। वैसे तुम्हारा बच्चा है बड़ा प्यारा, मारने का मन नहीं करता, इसीलिए मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ अपने बेटे की जान बचाने का। बोल शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। अब ध्यान से सुन, आज शाम 6 बजे अशोक मिला जाना, वो खुफिया खबर लेकर जिसकी हमें जरूरत है। ठीक है प्लीज, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। बंद करिए फिल्मी डायलॉग, 6 बजे इंतजार करूंगा। अगर आने में जरा भी देर हुई तो 6:01 पर तेरा ये बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा। हेलो हेलो, माय गॉड, ये मिलिंद तो इंटेलिजेंस ऑफिसर है और ये दिलावर उससे कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन चाहता है। हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है अभिजीत, खतरे में है देश की सुरक्षा। हेलो, क्या कहा? ठीक है, शुक्रिया सर। दिलावर की गाड़ी का पता चल गया। कहां पर है गाड़ी? मनेरियन रोड पर। मनेरियन रोड, दिलावर ने सोनल को तो नहीं? नहीं बेटी, सोनल को कुछ नहीं होगा। डिग्गी भी खाली है सर। सर सही है, देखिए टायर पर मछली के अंश। टायर पर मछली के अंश, इसका मतलब है गाड़ी को यहाँ पे लावर छोड़ने से पहले दिलावर किसी समुद्री इलाके में गया होगा। पास में तो यही इलाका है समुद्री, पिलिश चेट्टी, यहाँ देखते हैं। कोई आए नहीं, इंतजार करते हैं, आएंगे जरूर आएंगे वो लोग सनी को लेकर। सर गाड़ी से कोई बाहर निकल नहीं रहा, आगे बढ़े? नहीं, इंतजार करते हैं, जल्दबाजी मत करना। सनी, सनी बचा लो, बचा लो। ए, वही रुक जा, पास आया ना बच्चे के, ठोक दूंगा। तो कहीं आदमी बच्चे पे गोली ना चलाते। फाइल लाया? हाँ, ये लो ना फाइल, देख लो। सनी ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। सनी ए, ए, तेरा बच्चा तेरे घर पे पहुंच जाएगा, चल। क्या कह रहे हैं आप लोग? देखिए आप लोगों ने बोला था फाइल ला के दोगे तो बच्चा को दे दूंगा, तो मेरा बच्चा? ए, मुझे बोला ना बच्चा घर पे पहुंच जाएगा, चल निकल। बचा लो मुझे। पीछे चल, तुझे सुना नहीं, चल। देखो आप लोग ये गलत कर रहे हैं, प्लीज मेरा बच्चा मुझे दे दीजिए, दीजिए ना। वैसे नहीं मानेगा, अपने हद में रह, समझा, वरना खोपड़ी फोड़ दूंगा तेरी। रुक जाओ, ये इसको भी डाल, इसको डाल, डाल। श्री तो अचानक गायब हो गया, काम करो, फैल जाओ। सर ये तो मिलन की आवाज लगती है। हाँ, वहां से आ रही है,
आ जाओ। यहां से आवाज आ रही है। हाँ खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, अंदर से बंद है। माय गॉड, पत्थर से मारा इसे। देखो तो है क्या उधर, देखो जल्दी। मर चुका है मिलिंद। सर आसपास कहीं भी नहीं, रक्त निकल गया। कहीं भी नहीं, दिलावर। जब तक ये दिलावर खत्म नहीं होता हम चुप नहीं बैठेंगे। दिलावर, सबको फोटो दिखाते हैं, शायद किसी ने देखा हो। अरे भाई इसको देखा है क्या? जादू कहां पे देखा या इस लड़की को? सर इन लोगों को तो नहीं देखा, लेकिन कल रात एक काली रंग की कार आई थी यहाँ सर, और उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे। अच्छा कौन कौन लोग थे उसमें? सर मैं तो नींद में था सर, इसलिए कुछ देखा नहीं, लेकिन हाँ सर वो जो आखिरी वाली नाव देख रहे हैं उसके तरफ शायद वो लोग जा रहे थे। उस बोट में? जी सर। थैंक यू। ये तो मर चुका है। ये वायर यहाँ पे, पता नहीं इस वायर के साथ क्या कर रहे थे लोग। यहाँ पर ये रैपर भी है। ये रैपर मैंने कहीं देखा है। कहाँ कहाँ? सर सर हाथ से निकल गया सर। कोई बात, काफी सबूत मिले हैं। ये वायर और ये रैपर हमें सोनल तक जरूर पहुंचाएंगे। कैसे पिछा? हाँ सर। क्या मिलिंद का खून हो गया? हाँ सर, हमें यहाँ कुछ सबूत मिले हैं, डॉक्टर सालुंकी के पास भेज रहे हैं। क्या पता चला? बॉस इस लाश से मैंने बातचीत तो की, लेकिन लेकिन मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब? हाँ क्योंकि लाश मिनिंद की है ही नहीं।
ये लाश किसी और की? ये मिलिंद की लाश नहीं है? ना, फिर किसकी है? ये तो पता नहीं अभिजीत की लाश किसकी है, लेकिन ये लाश मिलिंद की तो डेफिनेटली नहीं। शायद वो गुंडे आप लोगों को गुमराह करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस लाश का चेहरा बहुत बुरी तरह से बिगाड़ दिया। तो फिर तो डॉक्टर साहब इसका चेहरा फिर से बना सकते हैं, आपने तो ये पहले भी किया है। दया, इस चेहरे की हड्डियां इतनी बुरी तरह से टूट गई हैं, सारी की सारी हड्डियां खराब हो गई। इसे साइंटिफिकली बनाना एकदम असंभव है, इम्पॉसिबल। क्या कहा तुमने? असंभव है? सारों के असंभव ये शब्द मुझे पसंद नहीं है, मालूम है तुझे? तू कुछ भी कर, कोई भी तरकीब निकाल, ये इस आदमी की पहचान चाहिए मुझे। यार मैं इस लाश की उंगलियों के निशान, इसका DNA, सब कुछ अपने क्रिमिनल डाटाबेस में चेक कर चुका हूँ, कोई मैच नहीं मिला। ये कोई पुराना मुजरिम भी नहीं। सर लगता है ये दिलावर गैंग वाले असली मिलिंद को अपने साथ ले गए और हमारे लिए छोड़ गए इस नकली मिलिंद की लाश, ताकि हमें लगे कि मिलिंद मर चुका है। इसका मतलब है मिलिंद की जान को खतरा है। और क्या सबूत मिला? सर, हाँ, इन चीजों से मुझे कुछ मिला है। क्या क्या मिला है? सर लगता है वो लोग वहां लैंडमाइंस बना रहे थे। इन सामान में से जो बारूद मिला है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर लैंडमाइंस बनाने में किया जाता है। लैंडमाइंस? अब समझ में आया सर, गुंडों ने हम पर अचानक फायरिंग करना क्यों शुरू कर दिया। ये लोग कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं सर। पता नहीं ये लोग लैंडमाइंस कहां बिछाने वाले हैं। न जाने कितने मासूम लोगों की जान खतरे में है सर। हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। घर की हालत देख के तो लगता है कि अब यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन सर मिलिंद इस तरह घर छोड़कर क्यों जाएगा, वो भी बिना बताए? इसका जवाब ये घर ही देगा। एक काम करते हैं, पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं। घर के अंदर तो कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि किचन के बर्तन तक गायब है। यहाँ भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है मिलिंद को यहाँ से गायब किया नहीं गया, बल्कि वो खुद गायब हुआ है। उसने हमारी आंखों में धूल झोंका एक नकली इंटेलिजेंस ऑफिसर बनके। नकली इंटेलिजेंस ऑफिसर? हाँ श्रेया, असली इंटेलिजेंस ऑफिसर वो था जिसकी लाश हमें मिली थी, और जिस मिलिंद से हम मिले थे वो मिलिंद नहीं, कोई फ्रॉड था। फिर तो इस असली ऑफिसर के बारे में IB ऑफिस से ही पता चलेगा। सर एक सेकंड। ये देखिए सर, लगता है जल्दबाजी में नकली मिलिंद लैंडलाइन फोन का रिसीवर ढंग से रखना भूल गया। अब पता लगाना पड़ेगा कि इस लैंडलाइन नंबर से आखिरी बात किस नंबर पर हुई थी। इस नकली मिलिंद ने अच्छा दूल झोंका हमारी आंखों में दिलावर के साथ मिलकर, पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर और फिर बच्चे के किडनैप होने का ढोंग रचा। और सर NRI के उस खाली पड़े घर को उन्होंने अपना अड्डा बना के रखा था। दुख तो इस बात का है कि असली IB ऑफिसर मिलिंद को हम लोग नहीं बचा पाए, दिलावर के लोगों ने फोन कर दिया उसका। सर मुझे तो इस बच्चे की चिंता हो रही है, सनी न जाने किस हाल में होगा। हेलो, कहाँ से? PCO से। ठीक है, थैंक यू। सर नकली मिलिंद के घर आखिरी फोन किसी PCO से आया था, मकानी बस्ती के PCO से। मकानी बस्ती? हमारा शक सही निकला, सारे तार इस मकानी बस्ती से जुड़ते हैं, वहीं पे कुछ पकड़ा गया। मकानी बस्ती चलते हैं।
पीसीओ। एक्सक्यूज मी, ये आपका पीसीओ है? यस सर, मेरा है। 12 बजे दोपहर को आओ, इस नंबर पे फोन किया आपके पीसीओ से किसी ने। किसने किया था? पता नहीं सर। याद करने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। सर बस तुम्हें प्रोग्राम है ना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ याद नहीं है सर। कैसा कैसा फंक्शन है? गणपति चल रहा है ना सर, तो बस्ती वालों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है। अभिजीत, मुझे याद आ गया, मैंने वो कागज का रैपर कहाँ देखा था। शायद इसी प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे थे वो लोग। मतलब लैंडमाइंस। हेलो सर, लैंडमाइन का पता चल गया है, मक्कानी बस्ती में सर। ये सारे लोग हैं यहाँ, न जाने कहाँ पे रखा गया वो लैंडमाइंस। फंक्शन यहाँ चल रहा है, लैंडमाइंस यहीं कहीं होंगे, जल्दी ढूंढना होगा, इतने सारे लोगों की जान खतरे में। अभी मैंने दिलावर के आदमी को इस तरफ जाते देखा है। ओह, तब तो हमें वही बताएगा ऑनलाइन माइंस के बारे में। फंक्शन शुरू हो गया, जल्दी से जल्दी वो लैंडमाइन ढूंढने वाली है। सुनील, 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 पुतला है। अच्छी साजिश रची हम लोगों को यहां फंसाने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, असली साजिश का मजा तो अब शुरू होगा दया और अभिजीत। चौंक गए ना मुझे देखकर? हैं? बिल्कुल नहीं, शेर की खाल पहनने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता है। तेरी पोल खुल चुकी है नकली मिलिन। तारीफ के लिए शुक्रिया। अभिजीत, तुम्हारा साथ देना। सर अभी वो दोनों यही थे सर। अरे यही थे तो क्या, गायब हो गए हवा में? और ये दिलावर उसके लोग, वो लोग कहाँ हैं, उनके बारे में क्या? तब तो कुछ पता नहीं चल पाया सर, ऐसा लगता है लोग यहाँ पे नहीं आए। यहीं पर आया होगा दिलावर अपने लोगों के साथ, शायद भेस बदल के। नजर रखो, ढूंढो उसे। क्या लगा था तुम दोनों को कि हमारी बिछाई गई लैंड माइंस तुम लोग इतने आसानी से ढूंढ लोगे? सीआईडी वाले ये नहीं जानते कि दिलावर गैंग के लोग और गैंग की तरह मंदबुद्धि नहीं है, एक एक चाल बहुत सोच समझ कर चलते हैं हम लोग। देखो, हमारी तुम्हारी लड़ाई के बीच में मासूम लोगों की जान खतरे में क्यों डालते हो? अगर ये लैंडमाइंस फटी तो
तो ऊपर चल रहे फंक्शन में मासूम लोग मारे जाएंगे, उनका क्या कसूर है? अब हम दोनों तुम्हारे कब्जे में हैं, हम लोगों के साथ जो करना है कर सकते हो, पर ये लाइन माइंस इसे रिफ्यूज कर दो। तुम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हो या फिल्म के हीरो? देश की जनता के लिए खुद की कुर्बानी तो सिर्फ एक हीरो ही दे सकता है। यो पर मैं एक बात तुम दोनों को याद दिला दूं कि मैं कोई हीरो नहीं, विलेन हूं विलेन, और विलेन को तो अपना धर्म निभाना पड़ता है। इतनी मेहनत से ये लैंडमाइंस हमारे आदमियों ने बिछाई है, इनका फटना तो निश्चित है निश्चित। और तुझे क्या लगा कि तुम लोग बच जाओगे? हम दोनों को पकड़ लिया तो सीआईडी से बच जाओगे? नहीं, अभी तुम लोगों का बाप एसीपी प्रद्युमन जिंदा है। डायलॉग बहुत मारते हो, अगर वाकई हीरो हो तो चलो आज मैं देता हूं एक हीरोइक मौत, शहीदों वाली मौत। बोलो दया और अभिजीत, थैंक यू बोलो, तुम दोनों ने खूब दोस्ती निभाई, जिंदगी भर साथ रहे, और आज आज दिलावर के बदौलत तुम दोनों मौत का दामन भी साथ साथ चूमोगे। जैसे ही ये बॉल जमीन पर आकर गिरेगी, लैंड माइन ब्लास्ट हो जाएगी, और तुम दोनों हो जाओगे स्वर्गवासी सीआईडी ऑफिसर्स। तुम दोनों की दोस्ती की दास्तान सालों साल सदियों तक इस खंडर गुफा में गूंजेगी। बेसमेंट? माय गॉड, कहीं दया अभिजीत बेसमेंट में तो नहीं? अगर इधर लैंडमाइंस है तो क्यों एसीपी, मानते हो ना दिलावर को पकड़ने की कोशिश सीआईडी की सबसे बड़ी भूल थी? देखो दिलावर की पाप की दुनिया, और दिलावर की पाप की दुनिया में कैसे बेबस कैसे लाचार पड़े हो तुम। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस, बहुत ही गंदी जिंदगी, अभी खत्म कर देते हैं तुम्हें और तुम्हारे इन सारे सिपाहियों को अभिजीत और दया के पास भेज देता। बहुत दर्दनाक मौत हुई है उनकी,
तड़प रहे थे। चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था, हर तरफ उनकी लाशों के टुकड़े बिखरे हुए थे। यही अंजाम होना था उन दोनों का। क्या बात है एसीपी, अपने दोनों अनमोल रत्न को खोने के बाद भी रोने के बजाय तुम हंस रहे हो? पागल हो गया है। ये पागल हो गया, पागल हो गया एसीपी। कोई बात नहीं, इसका मानसिक संतुलन अभी सही कर देते हैं। मैं क्या लगा कि तुम्हारे प्लान के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम? सब मालूम था हमें पहले से ही। ये मिलिन झूठा झूठा इंटेलिजेंस ऑफिसर है और वो सनी बच्चा वो तुम्हारे गैंग के एक आदमी का बच्चा था। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले से डायनामाइट लेके आए थे और उसी डायनामाइट के जरिए नीचे तहखाने में ब्लास्ट किया। इससे पहले कि वो लैंडमाइन फटते हैं, हम बाहर आ गए। अपने गंदे कामों के लिए उस मासूम बच्चे का भी इस्तेमाल किया तुमने? सिर्फ मासूम बच्चा ही नहीं एसीपी, एक अबला नारी भी, यानी कि सोनल। मैं शाबाश मेरे बुलबुल, शाबाश। क्या सही वक्त पे एंट्री मारी। एंट्री तो मारनी ही थी दिलावर, अच्छी एक्ट्रेस हो ना एसपी। मेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर तुम्हारे बहादुर सीआईडी ऑफिसर अभिजीत का दिल ऐसे पिघल गया और उसने मुझे अपनी बहन बना लिया। बेचारा भूल गया कि हमारे धंधे में भाई भी भाई का सगा नहीं होता। ठीक कहा तुमने, बह गया था मैं तुम्हारे नकली आंसू देखकर। अरे अभिजीत भैया, आप बच गए, चलिए अच्छा ही हुआ। अब अपनी आंखों से अपने एसीपी साहब की मौत देखना। हिम्मत है तो मुझ पे गोली चलाओ। भाई बोला था तुमने मुझे ना, चलाओ अपने भाई पे गोली। पास मत आना वरना सही में गोली चला दूंगी। तुम्हारी असलियत तो मुझे उसी वक्त समझ में आ जानी चाहिए थी जब गणपति महोत्सव के दिन तुमने उस गुंडे की जेब से गन निकाली। तुम्हें कैसे पता चला कि उसने गन वहां पे रखी है? बहन बोला मैंने तुमको, मैंने सोचा कि शायद तुम्हें सही रास्ते पे ले आऊंगा, मगर तुम सुनल, अभी भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बंद करो अपना प्रवचन। हमारे यहां भी यही होता है। ड्यूटी के सामने कोई रिश्ते नाते नहीं होते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।